हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केन चेयर्स के अलग अलग टाइप्स और टेबल्स। ठीक है, तो आज मैं आपको हर बजट के हर साइज के चेयर्स दिखाऊंगा जिनके अंदर स्टार्टिंग जो रेंज है, देखिए स्टार्टिंग रेंज तो हमेशा स्टूल से ही स्टार्ट होती है। जो स्टूल है ये इनको आप टेबल की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको आप बैठने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो सबसे छोटा रेंज है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है ना, तो स्टूल जो है राउंड वाला जो स्टूल है वो आप मान के चलो लगभग 600 रुपये के आसपास स्टार्ट हो जाता है और स्क्वायर वाला 650। तो ये स्टार्टिंग रेंज हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं चेयर्स। ये देखिए जो छोटा वाला चेयर है, ये पेशेंट साइज में आपको लग रहा है छोटा है, बच्चों वाला चेयर लग रहा होगा, आराम से बैठ सकता है। क्योंकि जो इसकी जो किनारी है, इसके हाथ हैंड है, तो हाथ में हैंड रेस्ट है, वो हमने गोलाई में बना रखी है। खड़े नहीं है इसके, जिस तरह इसके खड़े हैं ना, खड़े नहीं है, उस पर आराम से बंदा बैठ सकता है। और वेट सपोर्ट करने की बात नहीं, तो वेट इसका ईजिली सपोर्ट कर देगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट दो चेयर हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज चेयर हैं। इन चेयर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जगह बहुत कम है, जगह बहुत कम है। ये तो ये ट्रेडिशनल जो आप पहले से देखते आ रहे हैं, ये वो वाले चेयर्स हैं, और ये होंगे जाली चेयर। ठीक है ना, तो ये अच्छा खासा इनका बेस है। ये देखिए बेस अच्छा खासा इनका बेस है, बढ़िया जो केन मोटा वाला केन लगा रखा है, ये आपको सपोर्ट करेगा वेट के लिए, तो दोनों में यही है। अच्छा, ये हमने चेयर ना अभी नया बनाया है, अगर आप देखें ना इसको, तो ये नीचे जैसे ये तो सिंगल पैडिंग है, यहाँ डबल पैडिंग है, इसे ना कंफर्ट पूरा बढ़ जाता है। और दूसरा, एक नॉर्मल चेयर के अंदर ना जो लेग्स होते हैं, यहाँ यहाँ पर आके जब आपका जॉइंट, जो पैर का जॉइंट होता है, वो यहाँ के होल्ड होता है। यहाँ देखिए इसमें ना, इसमें हमने ट्विस्ट कर रखा है उसको, ताकि लेग्स को भी पूरा सपोर्ट मिल सके। तो ये ऐसे चेयर हैं जिन पर आप घंटों बैठ सकते हो, जिनमें कम्फर्ट का तो बहुत ही बढ़िया है। और देखिए ये जो बाउंड्री जा रही है ना, ये पीछे से भी जा रही है, मतलब पीछे से भी इसकी बाउंड्री, ये देखिए ये जनरली नॉर्मल चेयर्स में आपको नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं है, उसमें भी ये बाउंड्री जो है पीछे से भी जा रही है। और ये जो केन है, ये राउंड केन है, राउंड देखिए राउंड है, और पीछे से भी सपोर्ट दे रखा है उसको, मतलब काफ़ी सपोर्ट वाली कोडेज, सपोर्ट अच्छा है। अच्छा, यहाँ से ये जो हमारी ऑर्थोडॉक्स पुरानी जो चेयर्स हैं, ये अपनी हीना है और ये है हाई बैक। तो ये दो चेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली चेयर्स यही है आज। यहाँ उसी तरीके से देखिए आप, इसका जो बैक है वो खड़ा हुआ है, खड़ा बैक है, तो कम जगह कम घेरती है, कम्फर्ट अच्छा खासा देती है, अच्छा खासा कम्फर्ट देती है, देखिए आप। अच्छा, अब हम बात करें अगर हाई बैक की, तो हाई बैक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये यहाँ से भी राउंड है, पीछे से तो बैक सपोर्ट मिल ही रहा है, मगर इसकी टॉल देखिए आप, ये कितनी है, आप ये देखिए इसके मुकाबले ये टॉल कितनी है। इसको हाई बैक इसीलिए बोलते हैं, इसकी बैक काफ़ी सब हाई है, तो नेक को सपोर्ट मिल जाता है। नेक को सपोर्ट मिलने की वजह से आप मतलब चाहे तो सो भी सकते हैं, बैठना चाहे बैठ सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साइज़ में, इसी में जो अच्छा खासा अच्छे बजट में जो चेयर्स आते हैं, वो आते ही ये सोफ़ा चेयर्स। देखिए सोफ़ा चेयर्स ना आम तौर पे 3800 से 4000 से स्टार्ट हो जाते हैं सोफ़ा चेयर्स। अब इनकी बनावट देखिए, यहाँ एक डंडी के साथ दूसरा सपोर्टिंग डंडी है, मगर यहाँ पर ऑलरेडी 4 केन के चेयर हैं और फिर भी एक सपोर्टिंग डंडी पीछे फिर भी है। ओवरऑल आप देखिए इसकी बनावट ऐसी मजबूत वाली है, इस पर आप गत्ता लगाना चाहें गत्ता लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते गद्दी तो भी काम चल जाएगा। ये आप देखिए सभी तरह के चेयर्स मैंने आज आपको दिखा दिए, जो कि स्टार्ट होता है 600-650 से और जाता है लगभग 4000 की रेंज तक चेयर्स आते हैं। बात करते हैं टेबल्स के,
टेबल्स के नाम पे, लेकिन जो स्टूल हैं इनको मैंने बताया था आपको पहले नहीं कि टू टेबल्स को सॉरी स्टूल को टेबल की तरह भी इस्तेमाल करा जा सकता है। इसमें लोग शीशा लगा के इसको टेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। बहुत ही स्टेबल होती है क्योंकि सपोर्ट बहुत सारा है, इनके कितने सारे सपोर्टिंग डंडे हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल सपोर्टिंग होती है। इसको देखिए आप, इसको आप टेबल भी बना सकते हैं। दो लार्ज चेयर टेबल्स हैं जिनमें एक जो है राउंड, अगर आप एल एन टू बी एन टू एच करेंगे तो लगभग दोनों का वॉल्यूम और डायमीटर लगभग बराबर आएगा, मगर गोल वाले टेबल थोड़े दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि नीचे की भी बनावट अच्छी खासी है और अपना ये एक नीचे शेल्फ भी दे रखी है, न्यूज़ पेपर रखना है, टिश्यू पेपर क्या कैचअप वगैरह आपको कुछ रखना है, शेप बहुत अच्छी आती है इसकी। और दूसरी टेबल लार्ज में है अपने पास, ये अपना रेक्टेंगल शेप दिखने में तो अच्छी है ही, मगर इसके अंदर भी नीचे एक शेल्फ आता है,